नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर वसई विरार महानगर पालिका में समस्या की। वसई विरार महानगर पालिका में एक नहीं हजारों समस्या है, लेकिन एक जो पुरानी और सबसे अहम समस्या है, वह समस्या है कुछ मजहब के लोगों के लिए दफन भूमि का नहीं होना। वसई विरार महानगर पालिका सन सिटी क्षेत्र में सर्वे नंबर 176 177 के ऊपर सर्वधर्मी दफन भूमि का आरक्षण होने के बावजूद आज सालों से कुछ समाज जो है वो अपने हक की चीज लेने के लिए भी तरस रहे हैं, और महानगर पालिका हर बार सिर्फ वादों के ऊपर वादे, वादे के ऊपर वादे किए जा रही है। इस मसले पर पिछले कुछ सालों में कई बार उपोषण हुए, आंदोलन हुए, अलग अलग संस्थाओं ने इस मुद्दे को काफ़ी आगे तक लेके गए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब लोखंडे साहब थे आयुक्त, तब भी ये मामला उठाता। उसके बाद में पवार साहब आए, तब भी ये उठाता। अभी गंगाधरन डी साहब है, तब भी ये मामला उठाया पहले, और अभी भी उठ रहा है। और अभी भी ये हालत है, अभी भी ये नौबत आई हुई कि अभी भी इन संस्थाओं को अपने हक की चीज लेने के लिए उपोषण करने की नौबत आ रही है। अभी हाल ही में केजीएन वेलफेयर सोशल एसोसिएशन ने महानगर पालिका में उपोषण का एक पत्र दिया था। हालांकि महानगर पालिका कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसा जरूर कह सकते हैं कि डरी हुई है, इसके लिए उन्होंने तुरंत उपोषण को रोकते हुए एक पत्र दिया और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो इस काम को करके देने वाले। अब देखना यह है कि महानगर पालिका अपने वादे के ऊपर साबित रहती है, या जैसे हिंदी फिल्मों में एक मशहूर फिल्म में डायलॉग था, तारीख पे तारीख, वैसा यहाँ वादे पे वादे, ये देखना अहम है। आज हमने बात की इस मामले पर, केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक मीटिंग थी, तो हमने वहाँ मुलाकात ली और उनके पदाधिकारियों के क्या विचार है वो देखिए आप वीडियो में आगे। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। सर, आज केजीएन वेलफेयर सोशल एसोसिएशन का मीटिंग रखा गया, क्या विषय? पहले तो सबको सलाम, और विषय सन सिटी सर्वधर्मीय दफनभूमीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून आजपर्यंत पालिका प्रशासनाकडून दफनभूमी हस्तांतरित करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची हालचाल दिसून न आल्यामुळे आम्ही आमच्या केजीएन संस्थेकडून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे। त्यावर आता 26/11/2021 रोजी प्रशासनाकडून आमचे अध्यक्ष श्री कल्लन खान यांस उपोषणासंदर्भात पत्र दिले गेले आहे, ज्यात त्यांनी दिवाणमान सर्वे क्रमांक 176 व 177 मधील सर्वधर्मी दफनभूमीमधील प्रलंबित कामे करण्यासाठी कामाच्या निविदाबाबतची कार्यवाही लवकरच सुरू होणार आहे, आपण उपोषणाचा निर्णय मागे घ्यावा अशी विनंती केली आहे। त्यांच्या या विनंतीस मान देऊन तूर्तास आम्ही आमचे आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित करीत आहोत। अस्सलाम वालेकुम, आप साथ में जानते होंगे मैं केजी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष कलम खान। जैसे कि काफी वक्त से सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि का जो मसला चल रहा है, वो मसला फिर हमने लेटरबाजी किया था इससे पहले भी। अभी शायद आप देखेंगे 9/6/2021 ये हमने लेटर भेजे थे, और लेटर का जवाब आया हमको कि अभी कोरोना चालू है और कोरोना के हिसाब किताब से आप अपना आमरण उपोषण इस टाइम में मत करो, और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द आपको सर्वधर्म दफन भूमि देंगे। लेकिन आज 4 महीने हो गए, कोई भी हमको ना तो लेटर मिला ना कोई जवाब मिला। फिर हमने सोचा कि शायद फिर हमें लेटरबाजी करना पड़ेगा। उस मोमेंट में हमने फिर 1/11/2021 को फिर लेटर भेजे। लेटर भेजने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह
महानगर पालिका ने, जैसे कि हमारे उपाध्यक्ष असलम यूनुस शेख, उन्होंने अभी मराठी में जो आपसे बोला कि इस मोमेंट में उन्होंने लिख के भी दिया है कि हम जल्द से जल्द इस चीज़ को आपके हाथ में हैंडओवर करेंगे। और अल्लाह ने चाहा, सबकी कोशिश यही है कि ये चीज़ जल्द से जल्द दी जाए। और हमने उस मोमेंट में कोरोना के टाइम पे भी हमने महानगर पालिका में बोला था कि इस वक्त सर्वधर्म दफन भूमि के लिए हमें सबको बहुत ज़रूरत है और जल्द से जल्द इस चीज़ को हैंडओवर किया जाए। लेकिन उस मोमेंट पे भी सुना नहीं। अभी उन्होंने लिखित में भी दिया है और बोला है कि हम वर्क ऑर्डर निकाल रहे हैं और वर्क ऑर्डर निकालने के बाद में उसके अंदर हम प्लानिंग से आपको बाउंड्री बांध के देंगे, प्लानिंग करके देंगे, इंटरनल झाड़ लगा के देंगे। और जो आपके इस्तेमाल में जो वस्तु आती, जैसे कि वुजू खाना है, बाथरूम है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए है, या फिर वहाँ बॉडी नहलाने के लिए, या ऐसे करके कुछ शेड भी बना के देंगे और पानी का कनेक्शन करके देंगे, ये हमारे गिलसन साहब ने बोला। और ये लेटर भी उन्होंने महानगर पालिका से दिया है और हमने उनसे काफ़ी फिर भी विनती की कि जल्द से जल्द हमको सर्वधर्म दफन भूमि जल्द से जल्द चालू करके दी जाए। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसे कि कुछ मार्केट में ऐसा भी बवाल है कि केजीएल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन अमरण उपोषण के लिए और अपने नाम के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमारे केजीएल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद एक ही है कि सर्वधर्म दफन भूमि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी चालू हो, और उसके पीछे ही हम लगे हुए हैं। हमारा किसी का भी कोई नाम वहां पे नहीं चाहिए। हमारा मकसद यही है कि जो आज तकलीफें बढ़ रही हैं वो तकलीफें दूर होना चाहिए। और स्टेशन से जितने स्टेशन ईस्ट और वेस्ट जो भी बॉडी जाती है वो सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि सन सिटी में जाना चाहिए। और सर्वे नंबर 176-177 के अंदर वहाँ पे बाउंड्री जो बांधी थी, फिलहाल अभी उन्होंने बोला है जो बाउंड्री बांधी थी वो बाउंड्री बांध के देते हैं और जल्द से जल्द हम इस चीज़ के लिए चालू करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई सालों में आपने लगातार आमरण उपोषण कई बार किए, हमने भी लगातार आपकी रिपोर्ट बनाई है और इस विषय को बड़े नज़दीक से देखा है। हर बार ये देखा गया है कि महानगर पालिका हर बार सिर्फ वादे करती है, वादे को आज तक पूरा नहीं किया। अगर इस समय भी ऐसा होता है तो उसके आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? अगर इस टाइम में ऐसा रहा तो यकीनन है कि मैं केजीएल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कल्लन खान अकेला नहीं बैठेंगे, वहाँ 50 लोग अनशन के लिए बैठेंगे। और इस टाइम में भी शायद आपको मालूम है कि वो अमरण उपोषण पे बैठने के लिए, अनशन पे बैठने के लिए हम लोगों ने स्थगित किया है, यानी कि रिटर्न ने वहाँ पे कैंसिल नहीं किया है, बैठेंगे। लेकिन अगर हमारा जल्दी अगर काम शुरू नहीं हुआ और जल्दी अगर काम को नहीं देखा या किसी ने लापरवाही की, तो उस मोमेंट पे हम फिर से अमरण उपोषण के लिए मैं अकेला नहीं बैठूंगा, अब कम से कम 50 लोग बैठेंगे। आपका नाम? नमस्कार, मैं उगम पुरोहित, केजीएन वेलफेयरचा मेंबर आहे। हा जे टॉपिक जे है, माझं म्हणणं आहे की जल्द से जल्द हे अगोदर कम्प्लीट व्हायला पाहिजे, तर माझ्या म्हणणं आहे जलभूमीचं कम्प्लीट असायला पाहिजे, कारण हा पेंडिंग आहे खूप वर्षापासून। थँक्यू। नमस्कार, मैं केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का एडवाइजर सुनील शर्मा। काफ़ी टाइम से ये जो सर्वधर्म दफन भूमि का प्रोग्राम चालू है, ऐसा हो कई बार मरण पोषण हुए सब कुछ हुआ, मगर महानगर पालिका की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। पर अभी जो दिया तो ये मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी आश्वासन होना चाहिए उनकी तरफ से, अभी कारगर कार्रवाई जो है इसके ऊपर होनी चाहिए। नमस्कार। दुआ सलाम, मैं फजल शेख, मैं केजीएन सोसाइटी का, केजीएन वेलफेयर एसोसिएशन वसई का एक पुराना मेंबर हूँ और काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। मैं काफ़ी सालों से इस मसले पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज हमें ये छोटा सा एक आश्वासन मिला है कि भाई हम वीवीएमसी जो है आपका इस बात पे टेंडर प्रोसेस शुरू कर रही है, और टेंडर प्रोसेस शुरू करने के बाद टेंडर अलॉट होंगे और बाउंड्री वॉल वगैरह अंदर की जो भी सुविधा है उसकी काम के लिए वो दे दिया जाएगा। हम इस बात से बहुत खुश हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्द से जल्द हो और हमारी हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों के लिए ये सर्वधर्म दफन भूमि जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जय हिंद। तो
सर आपका नाम, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शकील खान है, केजीएन सोशल वेलफेयर का संगठक हूँ। ये दफन भूमि जो बरियल ग्राउंड है, 88 का रिजर्वेशन है, तो यह भी जैसा सिया समाज है उनको रई रोड वगैरह जाना पड़ता है, दूसरे समाज के लोग है, लिंगायत समाज है, तो काफ़ी तकलीफ है। तो महानगर पालिका से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उसको हैंडओवर दिया जाए और लोगों की जरूरत जल्द से जल्द पूरी हो गए। बस अभी महानगर पालिका ने एक आश्वासन पत्र दिया है जी, उसके बाद में आगे की भूमिका क्या होगी? तो अगर महानगर पालिका जबरदस्ती आवाम को भड़काना चाह रही है तो फिर हम आ जाएंगे रोड पे, फिर वही तकलीफ होएगी जैसा हम उपोषण पे बैठे हुए थे, फिर वहाँ पे महानगर पालिका पे जा रहे लोग। तो अगर महानगर पालिका हमको जो चिढ़ाना चाह रही है या उत्तेजित करना चाह रही है तो हम महानगर पालिका जो चाहेगी हम वो करने के लिए तैयार है फिर, या हमारी तो एक ही है कि भाई हमको ज़रूरत की चीज़ है और जल्द से जल्द उसको बना के हैंड ओवर दे दिया जाए। लोग दफन भूमि मांग रहे हैं, दफन भूमि वो मांगने की चीज़ नहीं है, वो तो ऐसा है कि उनको ज़रूरत की चीज़ थी, उनको बना के दे देना चाहिए था। हम उस पर उपोषण कर रहे हैं, मतलब महानगर पालिका के लिए शर्म की बात है, लेकिन फिर भी हम आज भी उम्मीद बांधे हुए कि महानगर पालिका लेट हुई है लेकिन काम करके देगी, और ये नियत लेके हम गए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, वर्कआउट पर बोल रहे हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम मांगा है उन्होंने, हम उससे कोई हमारे को ये नहीं है, नाराज़गी नहीं है, ठीक है थोड़ा और टाइम लेवे लेकिन जल्द से जल्द वो काम करके दे देवे। बाकी महानगर पालिका अगर हमको चिढ़ा रही है और हमारे को उत्तेजित कर रही है तो फिर ये गलत बात है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।